हेलो एवरीवन, बोरी की मटिया मेडिका क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की जो मेडिसिन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, साइनेपिस नाइग्रा। साइनेपिस नाइग्रा मोस्टली कॉमन जो यूज होती है वो हे फीवर की कंडीशन में देखने को मिलता है, कहीं पर भी फेरेंजाइटिस की कंडीशन देखने को मिल रही हो, या फिर जो नोज़ है वो अल्टरनेटली स्टॉप हो रही हो, ठीक है, लैक्रिमेशन, स्नीजिंग, जो भी ये कंडीशंस देखने को मिलती है वहाँ साइनेपिस नाइग्रा का काफ़ी अच्छा यूज होता है। इसमें जो स्वेटिंग होती है वो अपर लिप में स्वेटिंग देखने को मिलती है या फिर फोरहेड पे स्वेटिंग देखने को मिलती है। प्लस जो कोली की पेन की अगर हम बात करें तो कोली की पेन इसका बेंडिंग फॉरवर्ड से एग्रीवेशन है। जब भी पेशेंट सीधा होकर बैठेगा तो उसको अपने कोली की पेन में उसको रिलीफ मिलता है, जबकि कोलोसिंथ के जस्ट अपोजिट। कोलोसिंथ में क्या होता है कि फॉरवर्ड बेंडिंग से पेशेंट को कोली की पेन में रिलीफ मिलता है, और डायस्कोरिया के सिमिलर। तो जो काफ़ी सिमिलर मेडिसिन से आपको इसमें ध्यान रखना है, तो इसी वजह से जो साइनेपिस नाइग्रा है उसको स्नीजिंग, लैक्रिमेशन, कहीं पर भी पॉलिप कंडीशन देखने को मिल रही हो या फिर नेजल कैटरेक्ट की कंडीशन देखने को मिल रही हो, वहाँ आप साइनेपिस नाइग्रा का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर पूरी नोज़ जो स्टॉपेज देखने को मिल रहा हो, स्कैंटी एक्रेट डिस्चार्जेस देखने को मिल रहा हो, या फिर काफ़ी कोल्ड फीलिंग हो नोज़ में, तो वहाँ यूज़ करते हैं। सेकेंडली इसको जो यूज़ किया जाता है, इसकी जो ब्रेथ होती है वो काफ़ी ऑफेंसिव होती है, जस्ट लाइक अ ऑनियन, प्याज की तरह, ठीक है। हार्टवर्न की कंडीशन, जो उसको हार्टवर्न होता है वो ईसोफेगस तक इसको हार्टवर्न होता है, इसको ऐसा लगता है कि पूरे ईसोफेगस में कैंकर्स इसको सोर्स की कंडीशन देखने को मिल रही है, मीन्स अल्सर्स हो गए हैं। तो यहाँ पे पेशेंट को ये यूज़ किया जाता है। जैसे ही स्वेटिंग जो होती है पेशेंट को, तो स्वेटिंग जब नॉजिया उसको होने वाला होता है तो उसको स्वेटिंग में रिलीफ मिलता है, ठीक है। तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो आप लोग साइनेपिस नाइग्रा का यूज़ कर सकते हो। थैंक यू।